हेलो एवरीवन आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम दोनों एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को देखेंगे सो व्हाट इज एक्सटें एक्सट्रेंसिक सेमी सिंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज़ वेरी स्मॉल टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट आइटम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंप्योरिटी इज एडिट टू द प्योर सेमी कंडक्टर विच इज़ कॉल्ड एज डोपिंग तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम एक सेमीकंडक्टर के अंदर एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ पेंटावेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं ये कहलाता है डोपिंग और इससे जो सेमीकंडक्टर मिलता है आपको वो सेमीकंडक्टर होता है हमारा एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है ये है प्योर प्लस इम्प्योरिटी कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हमने कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो हमें एक एक्सट्रेंजिक सेमी मिलेगा तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एन टाइप सेमी से एन टाइप सेमी में हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट एटम को ऐड करते हैं जैसे आर्सनिक या फिर एंटीमनी तो इसमें क्या होता है इसमें जो इंप्योरिटी ऐड होती है वो होती है पेंटावेलेंट एटम की तो इसमें आप याद रखेंगे कि एन टाइप में जो इम्प्योरिटी ऐड होती है वो पेंटावेलेंट एटम की हम ऐड करते हैं तो देखो इससे पहले होता है क्या मैं आपको समझा देता हूँ पूरा पहले इसमें क्या होता है कि इम्प्यूरिटी एटम्स फॉर्म्स कोवल एंड बॉन्ड्स विद जर्मेनियम एटम बट सिंस इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर एटम्स हैव ओनली फोर इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर होल्स इन दर वैलेंस शेल वन स्पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस फॉर ईच इम्प्योरिटी एटम अब क्योंकि जो इम्प्योरिटी है वो पेंटा वैलेंट है दैट मीन्स उसके वैलेंस शेल के अंदर पाँच आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे होल्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा बट जो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर है उसमें मैक्सिम कितना होगा फोर तो फोर के साथ तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा मतलब चार इंटरेंसिक के और चार इम्प्योरिटी के वो आपस में मिलके के कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे बट इम्प्योरिटी का एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेफ़्ट रह जाएगा तो ऐसे अगर आपके पास बहुत सारी इंप्योरिटी आपने ऐड कर दी तो आपको बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जिसकी वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हैं तो एक बार डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं कि कैसे इसमें इम्प्यूरिटी का होता है देखो जर्मेनियम का मैंने लिया इसमें मैंने इम्प्यूरिटी ऐड कर दी अब जो जर्मेनियम का एक और इम्प्यूरिटी का एक ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे ऐसे यहाँ पे इम्प्यूरिटी का एक जर्मेनियम का एक एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा ऐसे इधर एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया और ऐसे यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया तो जर्मेनियम के जितने बाकी के हैं वो भी आपको यहां पे ऐसे कोवर एंड बॉन्ड बनाते हुए दिख जाएंगे क्योंकि जर्मेनियम के पास कितने हैं जो इमेंसिक सेमीकंडक्टर है उसके तो मैक्सिमम चार हैं और जो आपने इंप्यूरिटी ऐड करी है उसमें पांच हैं तो जो इंप्यूरिटी आपने ऐड की है उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे दिखेगा मिल लेगा। तो इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे रह जाएगा जो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है ठीक है सो इन दिस वे वी विल गेट मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर तो अब देखो क्या होगा वेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द एक्सेस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई इम्प्यूरिटी आइटम्स मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी नाउ दिस विल कॉन्स्टिट्यूट योर इलेक्ट्रिक करेंट तो अब अगर आप जैसे यहाँ पर मैंने लगाया है ये कि अगर मैं एक बैटरी को लगाऊँगा एक वोल्टेज सप्लाई लगाऊँगा यहाँ पर तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर ये जो इम्प्यूरिटी एड करने की वजह से आपको मिले थे वो सब किधर मूव करना शुरू कर देंगे वो सब मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से आपको एक करंट मिलेगा सो इन दिस वे यू विल गेट योर इलेक्ट्रिक करंट इन एन टाइप सेमी कंडक्टर सो दिस इज अबाउट द एन टाइप सेमी कंडक्टर तो इसमें होता क्या है जो इसके कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और जैसे ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा दूसरा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजोरिटी कैरियर्स कहलाते हैं किन की नंबर ऑफ इलेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो बढ़ गई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट है वो बढ़ गई इसलिए वो मेजॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं और जो होल्स हैं आपके वो माइनॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं तो होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स किसके केस में एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में तो so, ये था इन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है हर इम्प्योरिटी के लिए आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है और जब आप बैटरी लगाते हो तो वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स तो पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं जिसकी वजह से आपको करंट मिलता है अब हम देखेंगे पॉजिटिव या फिर पी टाइप सेमी के बारे में सो नाओ पी टाइप सेमी इन पी टाइप सेमी कंडक्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राई वेलेंट इम्प्योरिटी इज एडिड सच एस एल्यूमिनियम और बोरॉन तो देखो होता है क्या है कि इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर के अंदर हम एक ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड कर देते हैं उससे क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटी एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं विद फोर सराउंडिंग इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर आइटम्स बट जो एक बॉन्ड है आउट ऑफ दिस फोर वो इनकम्प्लीट रह जाता है और एक होल को जनरेट कर देता है क्योंकि जो आपने इम्प्यूरिटी ऐड करी है उसमें कितने हैं उसमें सिर्फ तीन है क्योंकि वो ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटी है तो वो एक जो बॉन्ड है वो इनकम्प्लीट रहता है और एक होल को जनरेट कर देता है तो देखो जैसे कैसे होगा जैसे यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया सपोज़ इधर भी बना लिया और यहाँ पे भी बना लिया बट यहाँ पे अब देखो बोरॉन जो इम्पूरिटी आपने ऐड करी उसके तीनों कंज्यूम हो गए तो एक जो यहाँ पे रह जाएगा यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा क्योंकि बोरॉन के पास अब नहीं है कोई भी पेयर बनाने के लिए तो एक होल यहां पे आपका क्रिएट हो जाता है इसको हम कहते हैं फ्री होल तो इस तरह से जब आप एक वैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करते हैं तो हर इंप्यूरिटी के लिए आपको एक होल मिलता है ठीक है सो इंप्यूरिटी आइटम्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विथ फोर सराउंडिंग इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर आइटम्स बट वन बॉन्ड इज लेफ्ट इनकम्प्लीट तो जो एक बॉन्ड है वो इनकम्प्लीट होता है एंड दैट गिव राइज टू ए होल तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे अक्रॉस पी टाइप सेमी कंडक्टर तो करंट कंडक्शन होगा बट अपार्ट अनलाइक करंट कंडक्शन इन एन टाइप विच इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स द करंट कंडक्शन इन पी टाइप सेमी कंडक्टर इज प्राइमरली ड्यू टू होल्स तो जैसे आप इसमें लगाओगे तो जितने भी यहाँ पे आपको होल्स मिले हैं वो किस तरफ आपको जाते हुए दिखेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी तो जितने भी ये होल्स हैं ये आपको ऐसे मूव करते हुए दिखेंगे जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है तो इस तरह से आपको यहां पे दिखेगा ये सो दिस इज बेसिकली होल मूवमेंट तो सिंपल है इसमें कि एन टाइप में आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है और पी टाइप में आपको एक्स्ट्रा होल मिलता है तो जैसे अगर आ, मैं कहता हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर्स थे तो पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स क्या हो जाएंगे होल्स तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होते हैं आपके पास होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से हो जाएंगे पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स तो ये था एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर के बारे में जिसमें हमने दोनों एन टाइप और पी टाइप देखा अगर आप क्वेश्चन आता है कोई डिफरेंस भी आता है तो आप बिल्कुल इसको ऐसे ही एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जिसमें आप दोनों को साथ बाय कंपेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स थैंक यू